मैं आप पे कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दूं? चलिए, सुन पा रहे हो? चलिए, कैसे हो? अगर आप सभी मेरे साथ अनकैडमी प्लस के पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लास जो है रेफरल कोड रूप लाइव डाल के आप अनकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे, नवंबर 2022 का इस वीडियोस में करंट अफेयर पढ़ेंगे आप सभी के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास 2 बजे रहेगी, तो दोनों क्लास आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड रूप सर डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी प्लस पर मेरी टेस्ट सीरीज आप रूप सर के नाम से पटवारी और MPPSC के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी के लिए 8 दिसंबर से अनकेडमी का MPPSC प्रीलिम्स 2022 का न्यू बैचेस शुरू होने वाला है। आप ये बैचेस के साथ साथ 22 दिसंबर से अनकेडमी प्लस पर MPPSC प्री प्लस मेंस का एक और बैच शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 22 नवंबर से मेंस का अनुदर्शन बैच 2022-23 के लिए जो है शुरू हो चुका है। MP पटवारी का आप सभी अनकेडमी पर मेरी क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो तो MPPSC, MPPV एंड व्यापम पर क्लास रही। अगेन ध्यान रखें, आपको कैटेगरी कौन सी है, MPPV एंड व्यापम पर आप सभी के लिए क्लासेस रहेंगी। ओके बालकों, चलिए, इसके साथ ही आप मेरा रेफरल कोड रूप से डालकर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। याद रखें, आप सभी को अनकेडमी के टेलीग्राम चैनल जो है रूप सर चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्यारे विद्यार्थी अभी तक मेरे से जुड़ा नहीं है, वो रूप सर टेलीग्राम पर जाकर आज की क्लासेस की PDF आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके छात्रों, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में 150 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता का CNG प्लांट हमने लगाया है? कहाँ पर जो है CNG प्लांट लगाया गया है? तो ये प्लांट लगाए हैं जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में, बालाघाट के बारासिवनी में, वायो फ्यूल प्लांट भी लगाया गया था। अभी रिसेंटली बायो फ्यूल प्लांट कहां पर? बारासिवनी में। किस जिले के कार्तिक जोशी ने अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये कौन सा, कहां पर? इंदौर में। इन्हें इंदौर का मिल्खा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ रहोगे? इंदौर के मिल्खा सिंह का टाइटल भी इन्हें देते हैं। इसके साथ ही पैसा एक्ट, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हुआ 15 नवंबर को। इस तारीख को हम क्या मनाते हैं? बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर को हम क्या घोषित करते हैं? जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में से मनाते हैं। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस इसे अपन कहते हैं। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं अपन? 15 नवंबर के दिन जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है बेटा, वॉइस आ रही है आपको? अब आ जाओ, 15 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस किस तारीख को? 15। MP कौन सा राज्य बना लागू करने वाला? MP पैसा एक्ट को लागू करने, कब आया था पैसा एक्ट? 1996 में लागू करने वाला
लागू करने वाला सातवां राज्य है। कौन सा राज्य है ये? अपना एमपी सातवां राज्य बना है। मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा स्मारक कहाँ है? बिरसा मुंडा स्मारक कहाँ पर है? तो ये शहडोल में है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक, कब हुआ था? 1899 में। चलिए, तीसरा नेशनल कल्चर फेस्ट फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देश में जो है एमपी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये कहाँ पे हुआ था? कल्चर फेस्ट बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलोर क्यों फेमस है? अभी केम्पेगौड़ा का यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। केम्पेगौड़ा का स्टैचू लगाया गया था किस राज्य, कहाँ पर? तो बेंगलोर में। अपने पहला एसी युक्त रेलवे स्टेशन कहाँ का है? तो एसी युक्त रेलवे स्टेशन जो है पूछ लिया जाता है, एसी युक्त रेलवे स्टेशन कहाँ का है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों बेंगलोर का है। कहाँ पर होगी? बेंगलोर का। चलिए बेटे, जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझ में आया? ओ बालको, जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक आया तो अपन चले। बेटा लंबी क्लासेस है तो आप सभी क्लासेस को आराम से पढ़ते चलना, ठीक है? लंबी क्लासेस लूंगा मैं आपकी। पैसा एक्ट में जनजातियों को वन्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है? जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत, जनजाति को उनके क्षेत्र में अधिकार देना, उसे पैसा कानून कहा जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? तो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी थी देश में 36.6%। कितना हो गए? 3.6% जो है एमपी की हिस्सेदारी थी, ठीक है? अब जो बढ़कर कितना हो गई है? 4.6%। मध्य प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी हो गई है अब? 4.6%। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की, बेटा लिखते चलना, जो फैक्ट लिखाया हूँ इसमें वो भी दे दूंगा, कुछ फैक्ट आप लोग को लिखना होंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर, मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में कितनी है? 2021-22 में कितनी है? तो 21-22 में क्या रहोगे? 19.74% है, ठीक है? कितना? 19.74%, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा कौन सा है? ये है, ठीक है? इंडिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जो रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस राज्य की है? तो अपने मध्य प्रदेश राज्य की है। क्या हो गए? एमपी में इकोनॉमिक दर जो है कितनी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा 90.74। राज्य स्तरीय कबीर बुनकर और विश्वकर्मा समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो ये आयोजन भोपाल में हुआ। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रांत का 55वां अधिवेशन कहाँ आयोजित होगा? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। हाल ही में ध्रुपद समारोह कहाँ होगा? तो ध्रुपद समारोह भी ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर महीने में तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होगा? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में, ठीक, कहाँ होगा? तानसेन समारोह ग्वालियर में, ठीक है? बेटा कबीर बुनकर में 1 लाख रुपए मिलते हैं,
ठीक है, चलिए। तो द्रुपद समारोह ग्वालियर में, तानसेन समारोह ग्वालियर में, राजा मानसिंह समारोह कहाँ होगा? मानसिंह समारोह ग्वालियर में आयोजित होगा। अब आ जाओ, खिलौने हस्त शिल्प एम्पोरियम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? भोपाल में। अब क्वेश्चन आता है मृगनेनी समारोह, मृगनेनी एम्पोरियम कहाँ पर है? एम्पोरियम नए कहाँ खोले गए हैं? तो 2022 में मृगनेनी एम्पोरियम छिंदवाड़ा और सागर, इसके अलावा नागपुर और प्रयागराज में ओपन हुए थे। कहाँ पे? नागपुर और जो है हम प्रयागराज में से ओपन किए थे। ठीक विद्यार्थियों, कालिदास सम्मान 2021 किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल के द्वारा हम देंगे। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होगा? उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पर? उज्जैन में। तो रंग कर्म के क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया गया? तो भोपाल के राजीव वर्मा को ये अवार्ड रंग कर्म मिला। वहीं रूपंकर क्षेत्र में ये कला का अवार्ड किसे दिया? तो पुणे के वासुदेव कामत को जो है रंग कर्म रूपंकर के क्षेत्र में दिया गया। वहीं संगीत में बुधादित्य मुखर्जी कहाँ के हैं? कोलकाता के। वहीं डांस में किसको दिया गया? पुरु दधीची को दिया गया। ये उज्जैन के हैं, शास्त्रीय डांस के लिए जो है इन्हें आविष्कार जो है ये मिला। मृगनेनी एम्पोरियम जो है बेटा, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने का काम जो है मृगनेनी एम्पोरियम को दिया जाता है। तो हमारे जितना भी जो चीज़ें बेची जाएंगी उसमें सारा काम किसका रहेगा? मृगनेनी एम्पोरियम का। जितने भी हस्तशिल्प उद्योग हैं वो सभी चीज़ें जो है इसमें देंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। कालिदास समारोह कितने दिन चलना है इस बार? तो 7 डेज होगा। कालिदास एकेडमी कहाँ पर है? कालिदास एकेडमी उज्जैन में है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कालिदास को। भारत का मिल्टन, भारत का मिल्टन बेटा, आज जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन आज ही याद करा दूंगा। भवभूति को कहते हैं। रीति काव्य का प्रेरिता, अलंकार प्रिय कवि, कठिन काव्य का प्रेत, ये टाइटल किसको देते हैं? तो ये सभी टाइटल किसके हैं? केशवदास के। किसके मिलेंगे सभी टाइटल? केशवदास के। ठीक है, फिर आ जाओ, ये सब किसे मिले हैं? केशवदास। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हो आप? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय काव्य की आत्मा। ये बेटा तीनों क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। ये जो तीनों क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप अपने अच्छे से लिख लेना, इन नोट डाउन कर लो इन तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। शिल्पकार मुबारक खत्री
को कौन सा सम्मान दिया गया? शिल्पकार मुबारक खत्री को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मास्टर आर्टिसियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2021 का इन्हें दिया गया। किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ प्रिंट के लिए। 2017 में बाघ प्रिंट के लिए राष्ट्रीय हस्त शिल्प भी अवार्ड जीते थे। किस जिले से सम्मान इनका? धार जिले से। ठीक है, अब आ जाओ मिशन अमृत सरोवर जो है मैं एमपी की कौन सी पोजीशन थी? तो मध्य प्रदेश जो है पहली पोजीशन पे आता है। चलिए बेटा क्लास को जल्दी से लाइक कर लो सभी। बेटा आज जोश के साथ पढ़ना, बहुत पढ़ाना है तुम लोग को आज। जल्दी से आप सभी पहले तो क्लास को शेयर कर दो। इसका आज दो अध्याय रहेंगे, दो टॉपिक पढ़ाऊंगा आज आप सभी को। ठीक है, दो टॉप दो घंटे आज, इसके बाद भी एक क्लास रहेगी 2 घंटे की। पहली टॉकीज लॉजी लैब कहाँ है? सबसे की क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली टॉकीजो लॉजी लैब कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ स्थापित की जाएगी? एम्स में। क्या रहोगी? एम्स में अपन इसे स्थापित। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ लगाई गई? तो ये भी भोपाल में, एम्स में। मध्य प्रदेश की पहली साइक्लोलॉजी लैब कहाँ है? तो ये भोपाल शहर में है। एमपी की पहली फॉरेंसिक लैब कहाँ है? तो ये सागर जिले में है। कहाँ रखे हैं? सागर जिले में। एमपी की पहली फॉरेंसिक साइबरटेक लैब कहाँ है? तो ये भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश की में भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब कहाँ बनाए हैं? तो ये भी भोपाल में है। एनिमल सरोगेसी लैब कहाँ है? ये भी भोपाल में है। हाल ही में वर्ल्ड क्लास स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? वर्ल्ड क्लास स्कूल की स्थापना कहाँ करेंगे? तो भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थापना की जाएगी। ये सरकारी स्कूल की प्रदेश में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी लैब होगी। अब आओ प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? एमपी में ब्लड बैंक। मध्य प्रदेश में ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया? ये इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। आलू टीसू, आलू टीसू कल्चर लैब ये कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, फिर आ जाओ आंसू टीसू कल्चर लैब ग्वालियर में। ठीक है, जड़ी बूटी बैंक मध्य प्रदेश में, जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? तो ये पनार पानी में है। कहोगे? पनार पानी। ठीक है, मध्य प्रदेश में खनिज लैब 2022 में कहाँ बनाए? तो ये ग्वालियर में। ठीक है, खिलौना बैंक कहाँ है? खिलौना बैंक 2022 में जबलपुर। हेलमेट बैंक नीमच में। सामुन बैंक टाइम बैंक ये कहां पर है? बैतूल में।
लक्ष्मी वाहिनी बैंक, चलता फिरता बैंक बोलते हैं इसको। ये कहाँ है? खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन में। सारे पॉइंट्स कवर हुए? सारे पॉइंट्स कवर। बेटा पढ़ ले, यूट्यूब यूट्यूब क्या चल रहा है, पढ़ लो जहां पढ़ना अच्छे से आकाश, ठीक है? सारे पॉइंट्स अपन आज लिखेंगे अच्छे से, अच्छे से मन लगा कर आप पढ़ो आज ना। तुम लोग आज की जो क्लास ले रहा है ना, वो याद रखिएगा कि यार मजा आ गया आज, पूरा तैयार हो गया। 2022 में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान किसे को मिले? तो सुनो, देखो आपको रखना है मेन मेन ब्रांचेस। जैसे शिक्षा का पूछा जाता है तो शिक्षा का दिया गया है सरस्वती शिक्षा परिषद, ठीक है? खेल कूद को मिला है रूबीना फ्रांसिस, ठीक है? एक खेल के क्षेत्र में दिया गया है रूबीना, स्विमर हैं ये, ठीक है? पैरा ओलंपिक खेल के लिए भी खेली थी मध्य प्रदेश। तो एक तो ये टाइटल याद करना है, दूसरा करना है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण जल के क्षेत्र में ये सम्मान किसको दिया गया था? नर्मदा समरक को दिया गया है। फिर सामाजिक सुधार के लिए गायत्री परिवार, मध्य प्रदेश का गायत्री परिवार जो है इसे दिया गया, ठीक है? महिलाओं बच्चाओं कौन पाल सकता है अच्छे से? तो भारती, तो सेवा भारती जो है को ये अवार्ड मिला। प्रत्येक अवार्ड के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 1,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है? कितनी? 1,00,000 रुपीज की राशि प्राप्त होगी। अब आज हो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने किस सम्मान के नियमों में हाल ही में संशोधन किया? तो लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार में जो है एमपी गवर्नमेंट ने हाल ही में चेंज किया। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कार्य करते हो तो उस क्षेत्र में यह अवार्ड अपन देंगे। अखिल भारतीय तानसेन संगीत समारोह कहाँ होगा? तो ये मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में 18 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। कहाँ करेंगे अपन ये? 18 से लेकर 23 दिसंबर तक जो है ये अवार्ड का जो है आयोजन होगा। कितने दिवसीय होगा? 5 दिवसीय। ২০২১ का तानसेन सम्मान, ২০২১ का तानसेन सम्मान किसको दिया जाएगा? बांसुरी वादक, बेटा एक दिन मैं अवार्ड की क्लास लूंगा, ठीक है? आपकी अवार्ड की क्लास लूंगा मंगलवार के दिन। नित्यानंद हल्दीपुरी को दिया गया, नित्यानंद हल्दीपुरी कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के, ठीक है? कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के। ओ भी देहातियों कितने के हैं? मासवी बार नित्यानंद हल्दीपुर को यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है? वहीं राजा मानसिंह तोमर सम्मान के साथ, तोमर सम्मान का भी आयोजन इसी में होगा इस बार, ठीक है? ये मानसिंह सम्मान किसको दिया जाएगा? मानसिंह सम्मान 2021 में किसे देंगे? उमा डोंगरा को देंगे। किसको देंगे? उमा डोंगरा। कौन है ये? कथक नृत्य, कथक नृत्य की नृतंगाना है। कहाँ से आती है ये? जयपुर घराने से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयपुर घराने से ये जो है संबंधित है। इन्हें ये जो पुरस्कार जो है प्यारे विद्यार्थियों इस साल जो है ये अवार्ड उन्हें देंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये दोनों पोर्शन, आप अच्छे से नाम याद रखनी है। नित्यानंद हल्दीपुर ये तानसेन सम्मान में 5,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अब
कितने लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए की राशि जो है अपन इसमें देंगे। दूसरा नाम कौन है, उमा डोंगरे का। उमा डोंगरे का कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, मानसिंह अवार्ड। देखो इस साल मैंने आज तानसेन अवार्ड पढ़ा है, कालिदास अवार्ड पढ़ा है। मंगल के दिन मैं आपको, मंगल नहीं बुधवार के दिन मैं आपको सम्मान की क्लास लूंगा, मध्य प्रदेश के सभी अवार्ड्स की क्लास। वो क्लास रहेगी आपकी 11 बजे से। तो अवार्ड्स वाली क्लास आप सभी विद्यार्थी है ना, गुरु ज्ञान क्लासेस पे लूंगा बुधवार के दिन, ठीक है, 11 बजे। तो वो अवार्ड कर लेना अच्छे से, जिससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिसी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था, तो मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड मिला, ठीक, कौन सा, मध्य प्रदेश गौरव। कितना लाख रुपए मिले उन्हें, 5 लाख रुपए की राशि दी गई। मध्य प्रदेश में किस कंपनी ने सबसे ज्यादा जीएसटी भुगतान किया है, तो वोल्वो आइसर कंपनी है, ठीक है, इसका कारखाना कहाँ है, इंदौर में है। हाल ही में किस जिले को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड 2022 दिया गया है, तो जिला रखोगे झाबुआ को यह अवार्ड दिया गया है, जबकि इनोवेशन और निरक्षरता के क्षेत्र में मंडला जिले को मिला। मंडला कैसा जिला बना था, कार्यात्मक जिला। हाल ही में देश का पहला कार्यात्मक जिला कौन सा है, देश का पहला कार्यात्मक जिला, देश का पहला कार्यात्मक जिला जो है कौन सा बना था, मंडला। और एक और बेटा, जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं पास में पटवारी के, तो बेटा मैं वो भी पढ़ाऊंगा, भारत में फर्स्ट 2022 के, ठीक है, कौन कौन जो है इंडिया किस किस में पहले नंबर पे है, तो ये टॉपिक भी अब मैं आपको पढ़ाया करूंगा। मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बड़वानी जिले को उत्कृष्टता क्षेत्र का, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में किसको मिला है, ये अवार्ड छतरपुर को मिला है, ठीक है। इनोवेशन के क्षेत्र में किसको मिला है, मंडला को मिला है। चलिए हाल ही मध्य प्रदेश में कहां पर ई व्हीकल पार्क बनाया जाएगा, तो ये बनेगा पीथमपुर में। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कहाँ बनाएंगे अपन, पीतमपुर में। पहला ऑटो क्लस्टर कहाँ बना हुआ है, तो ऑटो क्लस्टर भी जो है पीतमपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। पशु आहार कहाँ बना रहे हैं अपन, पीतमपुर में, ठीक है। एस्ट्रॉइड प्लांट कहाँ लगाया गया है, एस्ट्रॉइड संयंत्र जो है पीथमपुर में है। क्या रहोगे, स्टेरॉइड संयंत्र कहां पर है, पीथमपुर में। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हो, पीथमपुर को। नेटरेक्स कहां लगाया गया है, हाई स्पीड के लिए जो है नेटरेक्स कहां लगाया गया है, हाई स्पीड ट्रैक बोलते हैं इसे, तो ये भी पीतमपुर में लास्ट टाइम लगाए थे, कहां पर, पीतमपुर में। गौरव दिवस जो है का आयोजन कहाँ किया गया, बुरसा मुंडा जयंती पर, तो सैरो। कब मनाते हैं जनजाति गौरव दिवस, 15 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शहर में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा SBI रन फॉर करप्शन फ्री इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया था, तो इंदौर, कहां पर, इंदौर, ठीक है। भारत किस, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI है। स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को। मध्य प्रदेश की इकाई PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन किसे बनाया गया,
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन जो है किसे बनाए थे विद्यार्थियों, तो ये संजीव अग्रवाल, किसको, संजीव अग्रवाल को, ठीक है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब की थी, 1905 में इंदौर में की गई थी। किस शहर की सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 दिया गया है, तो ये भोपाल को, किसको रखोगे, भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड किस जिले में है, तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी रिंग रोड कहाँ पर है, जबलपुर में। एमपी का चौराहा किस जगह को कहते हैं, तो ब्यावरा राजगढ़ को कहा जाता है। इंफोसिस कंपनी जो है इंदौर और भोपाल में सुपर कॉरिडोर बना निर्माण कर रही है, कहाँ पर, इंदौर और भोपाल। एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर है, पीथमपुर में। फिर आ जाओ, एमपी को सबसे ज्यादा राजस्व, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व सेंधवा टोल टैक्स से मिलता है। कहां से, सेंधवा जो बॉर्डर है वहां से जो है एमपी को मैक्सिमम जो है रेवेन्यू कहां से आता है, तो सेंधवा बॉर्डर से आता है। चलिए, श्री महालो अब किसका नया नाम है, क्या हो गए, श्री महालोक जो है अब किसका नया नाम है, तो महाकाल लोक का नाम क्या हो गया, महाकाल महालोक के नाम से अब जानेंगे इसे, ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 11 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश में कहां से 5G की शुरुआत हुई, एमपी में कहां से 5G की शुरुआत हुई है, तो जियो ने महालोक में, महाकाल लोक में रिलायंस जियो कंपनी ने 5G की शुरुआत की है। कहां पर 5G की शुरुआत कहां पर हुई है, उज्जैन में। तो एमपी का कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर 5G शुरुआत हुई, तो ये उज्जैन में, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद, रोबोटिक लैब कहां है, उज्जैन। मालवा पीठ की स्थापना कहां किए, मध्य प्रदेश में मालवा पीठ कहां है, उज्जैन है, ठीक है। मालवा पीठ कहां है, उज्जैन में स्थापित की गई। फिर आपका आ जाओ मेडिकल डिवाइस पर, ये कहां बना रहे, तीनों चीजें उज्जैन में बनाई जाएंगी। पृथ्वी का केंद्र किसे कहते हैं, पृथ्वी का सेंटर जो है उज्जैन है, करोगे, पृथ्वी का सेंटर कैसे बोलते हो, उज्जैन को कहते हैं। नागचंद्रेश्वर टेम्पल कहां है, उज्जैन में। साल में एक बार खुलता है, चिंतामणि गणेश मंदिर कहां है, चिंतामणि गणेश मंदिर उज्जैन, चिंतामणि गणेश मंदिर कहां पर है, कोई पूछे तो उज्जैन रखोगे, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सी नई योजना लॉन्च की थी, तो मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना किस राज्य की है, मध्य प्रदेश में। कब इसको लॉन्च किया गया, 9 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या, राशन की सप्लाई ठेकेदारों की जगह मध्य प्रदेश के युवाओं को घर घर राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। इसमें क्या होगा विद्यार्थियों, आपको जो दुकानदार से जो है
10,500 रुपये प्रति महीने आपको पैसे भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से कम राशन कार्ड हैं वहाँ आपको 6,000 रुपये और अंशकालिक विक्रेता को जो है इसके तहत 3,000 रुपये का मानदेय रहेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने जिलों में फिश पार्लर खोलेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कितने जिलों में, राज्य के सभी जिलों में, राज्य में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, तो 52 जिले जो है अपन खोलेंगे। मध्य प्रदेश में पशुपालन जो है फिश पाल मछली पालन मंत्री कौन है? मछली पालन मंत्री कौन है? तो तुलसी सिलावट है। ठीक है, इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विकास योजना लागू की गई है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मशीन के माध्यम से फिश की सफाई करी जाएगी, फिर उसे काट कर जो है उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ बेटा, पटवारी की तैयारी भी करा रहे हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। पटवारी का बैच आपके लिए लर्नर ग्रुप पर उपलब्ध है और अनअकैडमी प्लस पे भी मेरी क्लासेज जो है पटवारी के लिए शुरू होने वाली हैं। तो जो विद्यार्थी पटवारी के बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप रेफरल कोड रूप सर डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। चले आगे, आओ आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम पर बेस्ड कीटाणुनाशक उपकरण तैयार किया है? तो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर ने। कब इसकी स्थापना हुई थी? अब बेटा ये रो फालतू की बात रोना मत करो, डेटा कम आ रहा है। रूप सर क्या करें इसमें, बताओ बेटा, हम आपकी मदद रूप से क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब आपको पढ़ना नहीं है, मतलब डेटा के लिए रो रहे हो। नौकरी लग जाओगी किसानों से, जब 10,000 रुपये मांगोगे दिन के जो है, इस नामांतरण के 10,000 रुपये चाहिए, तब नहीं बोलो रूप से 10,000 रुपये ले रहा हूँ। ठीक, नौ मान लो पुलिस कॉन्स्ट आबकारी में बन गए, पकड़ करने गए, किसी की शराब की फैक्ट्री सील कर दी, तब आप 1,00,000 रुपये मांग लो तब नहीं बोलोगे कितने पैसे क्यों ले रहे हो, तब तो चुपचाप से गड्डी में रख लोगे। मतलब पढ़ाई करने पर तो मैं बहाने आते हैं कि ये आ रहा है पढ़ाई में, वो आ रहा है, ठीक है। अरे 300 रुपये का ब्रॉडबैंड लगवाओ, काहे को मोबाइल पे भरोसे बैठे रहते हो? पूरा परिवार चलाएगा आराम से ब्रॉडबैंड से नेट, परिवार में 5 सदस्य होते, कम से 3 मोबाइल होते हैं, आराम से चलाओ जो है। फालतू बातें करवा लो तुम लोगों से जो है। 19 फरवरी 1984 को इंदौर में आरआर केट की स्थापना की गई थी। हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? 1946 में। कामधेनु पीठ मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? कोई पूछे बताइए मध्य प्रदेश में कामधेनु पीठ कहाँ है? तो सागर में। जबलपुर की स्थापना कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी 1964 में, पहली कृषि यूनिवर्सिटी थी। आप कभी ऐसे फालतू क्वेश्चन मत किया करो, वरना डंडे से पीटूंगा फिर पकड़ के। सिर्फ एक ही काम कि जल्दी से नौकरी लेना और मिठाई का डिब्बा लेके आना क्लास में, ठीक है। बस सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखो, राजा रमन्ना इंदौर में इसकी स्थापना, ये कहाँ है? आरजीपीवी भोपाल में। पहला पवन और सौर ऊर्जा से संचालित यूनिवर्सिटी बताओ, संचालित यूनिवर्सिटी आरजीपीवी। विवेक को पीटू और तुम्हें? तुम्हें नहीं पीट दूं मैं तुम्हें। चलिए
किस शहर में कैलाश मानसरोवर धाम बनाया जा रहा है? तो ये भोपाल में बनाया जा, यहाँ पे शिवलोक होगा, विष्णु लोक भी बनाया जाएगा और गौ लोक भी होगा। मानसरोवर में कैलाश भगवान शिव की 51 फीट की मूर्ति बनेगी और 11 फीट के शिवलिंग को भी बनाए जाए। इन शिवलिंग की संख्या 1008 होंगी। कितनी? 1008। इसमें प्राण प्रतिष्ठा जो मनाई जाएगी 26 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2023 तक जो है इसमें विकसित करेंगे। इसमें नाग कन्या कांजल नदी जो कि चरणों से एक नहर भी निकाली जाएगी। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है मानसरोवर धाम? ये बनेगा भोपाल में, ठीक है। फिर महाकाल महालोक कहाँ बनाया गया है? तो वो उज्जैन में कॉरिडोर बनाए। कहाँ पर? उज्जैन में। ऐसी क्वेश्चन आएगा मानधाता मंदिर कहाँ पर है? तो मानधाता टेम्पल कहाँ रखोगे आप सभी? मानधाता मंदिर भोपाल में है। ऐसरी मानधाता मंदिर ओमकारेश्वर। एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 2। एक कौन सा है? महाकाल। दूसरा ओमकारेश्वर। एक तो महाकाल है, दूसरा क्या है? ओमकारेश्वर है। करोगे दूसरा कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? ओमकारेश्वर, ठीक है। चलिए आप आ जाओ। सतीन सिंह लोहिया किस जिले के हैं? भिंड के निवास जन्म, भिंड में जन्म हुआ। निवास का निवास स्थान कहाँ इनका? ग्वालियर में। 37वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? गुवाहाटी में हुई थी। कौन सा मेडल जीते हैं? तो सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। उत्तरी चैनल को पार करने वाला पहला एशियाई थे जिनने उत्तरी चैनल को पार किया था। वहीं इंग्लिश चैनल को पार करने में भी ये एशिया के पहले थे। इनका लिम्का बुक में ये रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसी प्रकार अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई बने। धर्मज चैनल जो है अरब सागर में पड़ता है, इसे पार करने वाले भी ये एशिया के पहले पैरा तैराक हैं। करोगे एशिया के फर्स्ट पैरा तैराक है जिनने से 4 चैनल पार किए। कैटलिना चैनल अमेरिका में है, धर्मा चैनल अरब सागर में, इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक महासागर के पास है, नॉर्थ सागर जो है अपना ये भी अटलांटिक चैनल से लगा हुआ है। तो ये 4 चैनल को पार करने में कौन है पहले? सत्येंद्र सिंह लोहिया है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने 2014 में सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से भी नवाजा था। इन्हें तेंजिंग नोर्गे अवार्ड भी मिला है। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी भी बन चुके हैं। चलिए किस पर्यटन स्थल पर G20 समूह की बैठक होगी? तो पर्यटन वाली बैठक कहाँ होनी है? खजुराहो में होनी है। और कृषि हेतु कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी विद्यार्थियों इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में आयोजित की जाएगी। हाल ही में नरेंद्र हिरवानी कौन है? ये वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जो है 16 विकेट लिए थे। कितने विकेट? 16 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के विरुद्ध कितने विकेट लिए थे इनने? 16 विकेट जो है इनने लिए थे।
चले विद्यार्थियों आगे। चलिए, इन्हें हरियाणा क्रिकेट टीम का स्पिन कोच नियुक्त किया गया है। आबकारी आयुक्त ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव को कौन सा सम्मान दिया गया? तो तुलसी अवार्ड शिखर सम्मान जो है, ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार भोपाल के कुलतौर कौर को रत्नावली शिखर सम्मान दिया जाएगा। इसमें कितने रुपए दिए गए? 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। तुलसी शिखर सम्मान 2022 को पाने वाले कौन है? ओम प्रकाश श्रीवास्तव और पत्नी उनकी भारती श्रीवास्तव को यह अवार्ड दिया। एम्स भोपाल द्वारा कौन सा अभियान हाल ही में शुरुआत की गई? तो इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया? वो दोस्त अभियान शुरू किया गया। कौन सा? दोस्त अभियान। देवगुड़ारिया पहाड़ी, ये कहाँ पहाड़ी पड़ती है? यहाँ वन क्षेत्र विकसित करेंगे तो ये इंदौर में, ठीक है, यहीं पर जो है वायो मिथाइजेशन, वायो मिथाइजेशन संयंत्र लगा हुआ है। तो ये कहाँ पर? इंदौर में है। एक सेकंड को ना, हेलो, ऊपर था क्लास पढ़ा रहा हूँ। डाल तो दी थी मैंने, हाँ आपकी आएगी 2-3 दिन में। बायोमिथाइजेशन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथाइजेशन संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये इंदौर में लगाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी पैरा काइकिंग खिलाड़ी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये पूजा ओझा को ये अवार्ड दिया गया है। इनने अभी हेलीपैक्स कनाडा में पैरा काइकिंग और कैनोइंग स्प्रिंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल देश के लिए जीता था। ठीक है, इसलिए जो है इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अब आ जाओ, मध्य प्रदेश किस 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 जिले की दीपिका सलूजा को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर का अवार्ड दिया गया है? तो ये कहाँ से आती हैं? इंदौर से। इंदौर की ही वर्षा डोंगरे को मिस डेव एशिया 2022 का खिताब जीता था। क्या रहोगे? मिस डेव एशिया 2022 का खिताब किसने? तो वर्षा डोंगरे ने इस खिताब को जीता। दिव्या पाटीदार जोशी ने मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब कब जीता? तो ये रतलाम जिले की हैं, इनको जो है दिव्या पाटीदार जोशी ने ये लास्ट ईयर ये खिताब जीता था। वहीं मिसेज इंडिया फार्म आइकन का खिताब किसने जीता था? तो रीनू यादव भोपाल जिले की हैं, ये इन्हें अवार्ड। तो बड़े चारों सम्मान ना एक साथ तैयार कर लीजिए, ठीक है, और एक क्लास में ऐसे महिलाओं को जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिलाएं जैसे मान लीजिए बस चलाने वाली कौन थी, और फिर कार जो है आपकी पिंक ड्राइवर कौन बनी थी, ये सभी क्वेश्चन में एक दिन आपको अलग से तैयार कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज तो मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ली हैं जो कि अभी साल का संबंध रहा वही है। चलिए बेटे, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। चले आगे, सभी जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए।
चले आएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में ट्रॉप मीट 2022 का आयोजन किया जाना है? तो ये भोपाल में, ये किससे संबंधित है? मौसम विभाग से संबंधित है, तो ये कहाँ आयोजन होगा? भोपाल में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश में मल्टी यूटिलिटी पार्क 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, किस शहर में ये बनेगा? तो ये बनेगा विद्यार्थियों भोपाल में। कहाँ बनाएंगे? राजधानी भोपाल में कटारा हिल्स के अंतर्गत जो है मल्टी यूटिलिटी पार्क को मनाया जाएगा। इस पार्क को नाम क्या देंगे? पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर इस पार्क का नाम पड़ेगा। हाल ही में मेधा पाटेकर, ये कौन थी? मेधा पाटेकर जो है किससे संबंधित थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। रैली फॉर वैली आंदोलन, रैली फॉर वैली आंदोलन जो है इसका इस इन दो आंदोलन से संबंधित रही। कौन सा मान मिला है इन्हें? कुंती माथुर पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए, हाल ही में डीआरडी की आधुनिक बीएसएल 4 लैब कहाँ बनाई गई? तो ये कहाँ बनाई गई? ग्वालियर में। साइकोलॉजी लैब भोपाल में। टॉक्सिकोलॉजी लैब कहाँ बनाई गई है? भोपाल। टॉक्सिकोलॉजी लैब कहाँ है? भोपाल में। फॉरेंसिक लैब कहाँ पर है? सागर में। फॉरेंसिक साइबर लैब कहाँ पर है? भोपाल में। एनिमल सरोगेसी लैब कहाँ है? भोपाल में। अपन इससे पहले जो है लैब संबंधी क्वेश्चन जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस समारोह कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में। कब से शुरू हुआ है? 1982 से जो है इसकी शुरुआत। कितने हो चुके हैं अभी तक? 41 सम्मान जो है अभी तक हो चुके हैं। कितने रहोगे? 41 वा समारोह था। इसमें कौन कौन थे? केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बीरेंद्र सिंह और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इसमें शामिल थे। वहीं नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किस शहर में सबसे ज्यादा ईट राइट कैंपस बने? बेटा अब ये चीज ना, ईट राइट कैंपस वाला क्वेश्चन, जैसे अपन ने एमपी में जीआई टेक, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल, एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। और तो ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम नए टॉपिक एमपी में इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नामों का परिवर्तन, शहरों का नाम परिवर्तन, ठीक है, फिर एमपी में जो है संग्रहालय। तो इन टॉपिक्स को ना आप एक चैप्टर बनाइए आप, ठीक है। वैसे आप एक साथ तो सारे पढ़ते तो भूल जाओगे, तो आप क्या एक, मैं आज बहुत सारे करवाऊंगा, मैंने एक जगह लिखे भी हैं आप सभी के लिए, ठीक है, कि ईट राइट कैंपस। अब ये होता क्या है? तो भारतीय सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र की शुरुआत कब से होती है? 2018 से। मतलब जो खाने की चीजें हैं वो फूड विभाग के अनुसार सभी मानक तय करती हैं। मतलब फसाई, जैसे आपने ब्रेड खरीदोगे तो ब्रेड पे भी फसाई का सिंबल लिख के आने, मतलब उस प्रोडक्ट की फसाई के तहत आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी जगह है, ठीक है। तो ऐसा कैंपस, मतलब जो खाद्य वस्तुओं के लिए अच्छा है, तो वो कैंपस कहाँ बनाया जाएगा, किसको ये प्रमाण पत्र मिला है? तो ऐसी जगह को हम ईट राइट कैंपस के नाम से देते हैं।
तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को अब तक कितने ईट राइट कैंपस मिल चुके हैं? 18। तो ये तो भोपाल भोपाल के पढ़ रहे हैं, आपको अलग अलग राज्यों के भी, अलग अलग जिलों के ही पढ़ना है। तो ये टॉपिक पे एक अलग से क्लासेस में आपकी कंडक्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद की मैंने एक साथ कराया था कृषि में, ऐसे अपन इस टॉपिक का भी एक साथ करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत कब हुई? 2018 में इसकी शुरुआत की थी। भोपाल में जो है सबसे ज्यादा मिले। पहला, किस हवाई अड्डे को ईट राइट कैंपस घोषित किया गया? तो राजा भोज हवाई अड्डे को ईट राइट कैंपस घोषित किया गया। सबसे पहले किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट कैंपस मिला था? तो कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल और मध्य प्रदेश का भोपाल का रेलवे स्टेशन, दोनों को जो है यह अवार्ड मिल चुका है। वहीं तात्या टोपे नगर स्टेडियम को भी जो है भोपाल में पड़ता है, इसको भी ये राइट ईट राइट कैंपस का अवार्ड दे जा चुका है। कौन सा अस्पताल है जिसे ईट राइट कैंपस का अवार्ड दिया गया? तो हमदिया अस्पताल, ये कहाँ पे है? भोपाल में। कौन सा लॉ कॉलेज राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल 1997 में अपन इसकी स्थापना की, इसे भी ईट राइट कैंपस और से भोग टैग मिल चुका है। उज्जैन में स्थित महाकाल के मंदिर के लड्डू प्रसाद को भी और खजराना गणेश मंदिर को भी जो है से भोग टैग मिल चुका है। साथ ही इन दोनों जगह को ईट राइट कैंपस में भी शामिल किया गया है। अब तात्या टोपे नगर स्टेडियम, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, बालमीय संस्थान, भोपाल का आयकर विभाग, 7 बटालियन PHQ भोपाल, भोजपुर क्लब, स्टेट बैंक ऑफ कैंटीन, HLO भोपाल, एम्स अस्पताल, मिंटो हॉल, प्रशासनिक एकेडमी, अक्षय पाथ फाउंडेशन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, राजा भोज एयरपोर्ट, जयप्रकाश जिला अस्पताल, बंसल अस्पताल। ठीक है, तो इतने लोगों को जो है अपन ने क्या दिया है? ईट राइट स्टेशन का अवार्ड। ठीक है, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र जो है कितने जगह को मिला है भोपाल में? 18 जगह को दिया गया है। कितनी जगह को दिया गया है? 18 जगह जो है इसमें मिल चुकी हैं। चलिए, तो बेटा ध्यान रखना है इनको, ईट राइट कैंपस को बहुत सारे जगह को अवार्ड दिए गए हैं अभी रिसेंटली। तो आज अपन बहुत सारी जगह अपन करेंगे भी, अभी एक दिन में तो आप सारे याद नहीं कर पाओगे, मतलब स्लो स्लो आपको मैं ये करा भी दूंगा। ठीक है, चलिए। अब आज नेक्स्ट, हाल ही में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं भारत की राष्ट्रपति इस समय शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। पहला आदिवासी गांव खजुराहो में बनाया जाएगा, जो कि 3.5 एकड़ में फैला होगा। 7 जनजातियां जो है यहाँ पर बसाई जाएंगे, जिसमें गौंड, भील, कोरकू, भारिया, बेगा, सहरिया शामिल हैं। विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत कब हुई? तो ये 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक जो है इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा, विश्व सप्ताह समारोह। चलिए, हाल ही में किस जिले को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की योजना है? तो हरदा जिला।
इंदौर का आईआईएम जो है इसे विकसित करेगा। कौन करेगा? आईआईएम इंदौर। आईआईएम इंदौर की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। वो आईआईटी इंदौर कब स्थापित हुआ था? 2009 में स्थापित हुआ। 32वां पश्चिमी भारत विज्ञान मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बालाघाट में। जबकि कृषि मेला कहाँ आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश में कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुरैना में। कहाँ पे आयोजित करोगे? मुरैना में कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुरैना में आयोजित किया गया है। अब आ जाओ दीपो उत्सव। दीपो उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दीपो उत्सव का आयोजन भोपाल में हुआ। मटर फेस्टिवल कहाँ हुआ? ये जबलपुर में। मिर्च महोत्सव खरगोन। मक्का महोत्सव, मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा। क्या हो गया? मक्का महोत्सव कहाँ पर? छिंदवाड़ा। चलिए चले आगे। चलिए एक बार बेटा आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। बेटा ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। अभी तो पढ़ लो बेटा, अभी तो 1 घंटा भी नहीं पढ़े अपन। आया मेरे प्यारे पटवारी वाले विद्यार्थियों, आप में से कितने प्यारे विद्यार्थी पटवारी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं? क्यों बालक, आप में से कोई पीएससी और पटवारी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है? तो जो विद्यार्थी अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा रेफरल कोड रूप से डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थीगण क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, आपके दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करने का बोल सकते हैं। चलिए बढ़े अपन आगे। चलिए जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1964। तो कुलपति कौन बने हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी के कौन बने हैं कुलपति? अशोक खंडेलवाल। कौन बने हैं? अशोक खंडेलवाल। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर की प्रोफेसर कुलपति कौन है? कपिल देव मिश्रा चुने गए। ये अभी चर्चा में बनी हुई इनकी नियुक्तियां। ठीक है। नीलिमा गुप्ता कहाँ की है? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की पहली महिला, पहली महिला बनी है इस पे। विक्रम यूनिवर्सिटी में कौन है? उज्जैन के कुलपति अखिलेश पांडे को अपॉइंट किया गया है। जबकि बरकुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के कुलपति कौन है? सुरेश कुमार जैन। कौन बने हैं? सुरेश कुमार जैन को चुना गया है। वहीं राजा भोज मुक्त यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटी के कौन है? संजय तिवारी। तो बेटा ये सभी मैंने मेन में लिखे हैं जो आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, जो अभी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सा हाथ दुखने लगा लिखते लिखते, लेकिन चलने दो। अच्छा ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये पानी लेने जाऊंगा तो 2 मिनट का आपको मैं रिलीफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे ऊंचा जिनाले बनना है? ठीक है, जिनाले का मतलब होता है विद्यार्थियों चारों तरफ जैन भगवान से संबंधित मूर्तियों का बनाया जाना। तो सबसे ऊंचा जिनाले कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। वो पता पीले पत्थरों से बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देश का सबसे बड़ा जिनाले कहाँ होगा? तो सबसे बड़ा जिनाले भोपाल के मध्य प्रदेश के सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जैन मंदिर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जैन मंदिर, एमपी का सबसे ऊंचा जैन मंदिर कहाँ है? तो दमोह में। दमोह में भी कहाँ पर? बादकपुर में। कहाँ बनाएंगे? दमोह में बनाएंगे। ठीक है, कहोगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बादकपुर में कुंड जो है पहाड़ी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। चलिए फिर है कमल मंदिर, मध्य प्रदेश में कमल मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये भी दमोह में बन रहा है। फिर वीर मंदिर, ये भोपाल में। सौर स्मारक कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है? सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति जो है अशोक नगर में। कहाँ रखोगे? अशोक नगर में। किस जिले की पूनम मंत्री को एम्पावर्ड वुमेन अवार्ड दिया गया है? कौन सा रखोगे? एम्पावर्ड वुमेन अवार्ड कहाँ के हैं? ये भोपाल की। अलका याग्निक को लता मंगेशकर अवार्ड 2013 दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे दिए हैं? किशोर कुमार सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो अनुराधा पौडवाल को दिया गया है, जबकि कुंती माथुर सम्मान मेधा पाटेकर और वृंदा ग्रोवर को ये पुरस्कार हम दिए हैं। किस महासंघ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। ये पुरस्कार क्यों मिला है? मछली के उत्पादन में जो है एमपी गवर्नमेंट को ये अवार्ड दिया गया है। इसके तहत हमें 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसे किसने दिया? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया है। किसने? हो गए पुरुषोत्तम रूपाला। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के अध्यक्ष और मत्स्य विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट को ये अवार्ड दिए हैं। किसको? कौन है ये? तुलसी सिलावट, ये मध्य प्रदेश के मछली पालन मंत्री हैं। उनने ये अवार्ड को ग्रहण किया था उस समय। चलिए, जल महोत्सव का शुभारंभ कब से किया जाएगा? ये 7वां जल महोत्सव है। मछली एमपी में खुद तो कोई खाता नहीं है। कैसे नहीं खाता? ये अनूप है, विवेक है, वर्षा है, ठीक है, विकास है, अंकिता है,
तुमने कैसे बोल दिया नहीं खाते? ये तो बिना खाए रह नहीं सकते यार, जो है ये तो कह रहे हैं यार ज्यादा पालो यार, हम लोग को भोजन मिले और तुम मना कर रहे हो। जो है मैंने सोचना है पर गड़बड़ हो जाए है? ये तो बेचारे उसके बिना खा रह नहीं पाए जो है, इनका तो स्वच्छ भोजन ही वही है। चल प्रियंका तो कहती, प्रियंका तुम तो बोलिए सजी मैंने बनाया है। नहीं मैं नहीं खाता, मैं खाता तो बचती थोड़ी मछलियां खत्म हो जाती, तभी तो अपने एमपी में बढ़ोतरी हुई है मछली के उत्पादन में। अगर मैंने खाना शुरू कर दिया होता तो फिर सोच लो एक भी बचती क्या है? वो तो आप लोग कम खा रहे हैं, ज्यादा खाया करो जो है। प्रियंका भी नहीं खाती, चलो ठीक है जी, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया तो फिर कमी हो जाएगी ना, तुम लोग को नहीं बचेगी जो है, इसलिए मैंने खाना स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने बोल रखा कि ये नहीं खाएंगे। चलो अब आज जल महोत्सव कहाँ होता है? हनुमंतिया। हनुमंतिया को क्या कहते हो आप? एमपी का गोवा, एमपी का स्विट्जरलैंड, हनुमंतिया को ठीक है, सागर को भी कहते हैं हनुमंतिया को भी कहते हैं, इसे पर्यटन के आधार पर कहते हैं और सागर को मौसम के आधार पर ठीक है। ये कब से लेगा? 28 नवंबर से 28 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। चलिए यहाँ पर हनुमंतिया में मध्य प्रदेश सरकार जो है वर्ल्ड वॉचिंग सेंटर बना रही है। वर्ल्ड वॉचिंग सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये हनुमंतिया में, कोई गरीब नहीं है यहाँ, बहुत महंगा हो गया है। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो अभी भोपाल के अपन ने ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट पढ़े थे ठीक है, अभी मैंने आपको जो है ये जो है ईट राइट कैंपस पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले ठीक है। भोपाल में अब अपन आगे पढ़ेंगे ठीक है। तो जैसे देखो हाल ही में किस पहली बार किस आंगनवाड़ी केंद्र को जो है ईट राइट कैंपस मिला है? तो रीवा जिले में दो आंगनवाड़ी केंद्र, एक तो घोघर है और दूसरा आंगनवाड़ी केंद्र नई बस पड़ रहा नई बस्ती, 6 आंगनवाड़ी केंद्र को इससे ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन सा रखोगे? ईट राइट सर्टिफिकेट। कब से शुरुआत हुई थी? इसे 2018 से हुई थी ठीक है। तो रीवा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये मिले हैं। बेस्ट फील्ड बैटेलियन अवार्ड से किसे नवाजा गया? बेस्ट फील्ड बैटेलियन अवार्ड से रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विष्णु गुप्ता को। बैटेलियन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जबलपुर में है ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट जनरेशन यंग न्यूरो सर्जन अवार्ड किसे दिया गया था? तो भोपाल के आदेश श्रीवास्तव। बीसी राय अवार्ड किसे मिला है? ग्वालियर के दिनेश उनेदिया करके डॉक्टर है, उन्हें दिया गया। मध्य प्रदेश में संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति कब लागू की गई? तो दिसंबर 2022 में लागू की जा रही है। ग्रामीण परिवहन सेवा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो अपन ने ये कहाँ से किए थे? विदिशा में। ऐसे क्वेश्चन और आता है, निशुल्क गौ सेवा योजना की शुरुआत कहाँ से? निशुल्क गौ सेवा तो खरगोन से शुरुआत हुई थी ठीक है। कहां से? निशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा, ये खरगोन से।
किस जिले में स्थित हनुमान मंत्रित चिरहुला को सेब भोग में शामिल किया गया है? सेब भोग पैलेस में जो है प्रमाण पत्र में किसको शामिल किया गया? ठीक है, ये रीवा को। कहाँ को? रीवा को। इससे पहले महाकाल टेम्पल को भी शामिल किया गया था, महाकाल मंदिर के लड्डू भोग को। खजराना मंदिर को, खजराना मंदिर को भी सेब भोग प्लस मिल चुका है। ठीक है, चलिए। किसकी जयंती को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को कैसे मनाते हो? विधि दिवस के रूप में ही मनाते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कोई आपसे पूछे कि बताइए भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो ये संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर के दिन लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर को। इसी दिन जो है हरि सिंह गौर की जयंती है, ठीक है, तो इन्हीं के रूप में जो है सागर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एमपी की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी थी, जो कब खोली गई थी? 1946 में। इसमें गजानन माधव मुक्ति बोर्ड सृजन पीठ है। इसी में ना पालको अटल पार्क भी स्थापित किया गया है। इसी में कामधेनु, सोध पीठ है। कामधेनु गाय जो है सूद पीठ कहाँ पर है? तो ये अपनी हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में स्थित है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक कितने स्वीकृत हुए हैं? तो 1783 जो है क्लिनिक को स्वीकृति मिली है। किस पर्यटन स्थल में G20 समूह की बैठक होनी है? तो ये मांडू में, इसे पर्यटन बैठक कहेंगे। कृषि बैठक कहाँ होनी है? इंदौर में। और संस्कृति बैठक कहाँ होनी है? ये खजुराहो। कहाँ होनी है संस्कृति बैठक? खजुराहो में जो है आयोजित करेंगे। चलिए, तो बालकों आप में से कितने प्यारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे साथ एमपीपीएससी और व्यापम की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं अनएकेडमी प्लस पर? वो मेरे सभी छात्र रूप सर रेफरल कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से कितने बालक ऐसे हैं जो क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं? तो बालों को आप में से ज्वाइन करना कितने लोग चाहते हैं? बढ़े आगे आप चलें। सुन पा रहे हो? चलिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को यह अवार्ड दिया गया है। इसके मंत्री कौन है?
वो जो है सकलेचा, ओम प्रकाश सकलेचा जो है इसके मंत्री हैं। अपनी राज्य क्लस्टर विकास नीति किस राज्य ने लागू की थी? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस जिले में स्थित बैंक नोट प्रेस को 5 स्टार संरक्षा अवार्ड दिया गया है? तो देवास की बैंक नोट प्रेस को। देवास की बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना देवास में किए थे। चलिए बालक को 2 मिनट का बेटा ब्रेक ले लेते अपन, ठीक है। 2 मिनट का आपका ब्रेक है, ठीक है, जब तक मैं पानी लेके आ जाता हूँ और तुम भी थोड़ा पानी पी के आ जाओ, ठीक है विद्यार्थी हो। चल
चलिए। कौन कौन जो खाना खा रहे हो? चलिए आ गए सभी लौट के। चलो चलिए। नहीं बेटा आपका पेपर आ रहा है ना, अब मैं आपको पढ़ने को दे दूंगा तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो वो मुझे पढ़ानी पड़ेंगी, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं जो लिख नहीं पाते हम लोग भी, तो वो आपको कराने ही पड़ेंगे, ठीक है? चलो। भंवर कुआं फ्लाई ओवर और खजराना चौराहे फ्लाई ओवर का भूमि पूजन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री ने किया था, ठीक है? नामीबिया देश से लाए गए चीतों को क्रूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। एमपी का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है? इसका शुभंकर क्या है? चिंटू चीता है। एशियाई शेर लाना प्रस्तावित है, एशियाई शेर लाना जो है। खाना खा के आ गए तुम लोग, वाह, गिर नेशनल पार्क से। तुम तो बड़े जोरदार विद्यार्थी हो मेरे, हैं खाना भी खा के आ गए। चलो फिर ठीक है, अब थोड़ा एनर्जी आ जाएगी है तुम सब में। चलिए, कहाँ से लाए चिंटू चीता पन चीता को? नामीबिया देश से। चीतों का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाए? क्रूनो नेशनल पार्क में बनाया गया। चलो हमें बारे बेटा बनाना पड़ता है। देखो मैं जब पढ़ता था ना आप लोग के साथ जो है, तो प्यारे विद्यार्थी मैं क्या करता था, चिप्स, ठीक है, आलू जो एक चिक्की आती है गुड़ की वो, और गजक सर्दियों के मौसम में, और एक पोहा ऑर्डर करके पहले से रख लेता था। और जब पढ़ाने जो पढ़ने बैठता है, क्योंकि संडे एक दिन रहता था पढ़ने, सुबह से लेकर वही 7:30 से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यू। तो यही चीज़ें आपको भी करनी है भाई, तुम्हें पता है संडे को क्लासेस रहती हैं, ठीक है? तो ऐसे ही मना, आप तो बेटे स्विगी है जोमेटो है, एक ही ऑर्डर ही तो करना है, करते चलो। चलिए, चीतों की ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? क्रूनो नेशनल पार्क में हम बनाएंगे। हाल ही में सिटीजन कॉप मोबाइल ऐप किस शहर ने बनाया? तो इंदौर ने बनाया। किसके लिए? प्रवासी भारतीय दिवस और बेहतर पुलिसिंग के लिए ये बनाया गया है। अजनाल नदी जो कि हरदा में बहती है, रिवर फ्रंट किस नदी के रिवर फ्रंट की तरह विकसित करेंगे? तो साबरमती रिवर फ्रंट। ये कहाँ नदी बहती है? अहमदाबाद में। इसकी घोषणा किसने की थी? कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल। कृषि मंत्री कौन है आपके? कमल पटेल हैं। किस जिले में स्थित बारकोट वाली नर्सरी प्रदेश की पहली नर्सरी है? बारकोट वाली पहली नर्सरी बताइए प्रदेश की कौन सी है? तो ये कौन सी है? उज्जैन, जहां बारकोट के पौधों के बारकोट तैयार किए जाएंगे। किस जिले में बनी साल भंजिका की मूर्ति इटली देश में प्रदर्शित की जाएगी? तो ग्वालियर में ये प्रदर्शित की जाएगी। इसे दीपक प्रजापति ने इस मूर्ति को तैयार किया है। हाल ही में
किस जिले में 7 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है? तो ये धार जिले में मिला है, ठीक है। इससे पहले कौन था? भीम बेटिका था, भीम बेटिका का डिक्सोनिया। जो कि डिक्सोनिया का जीवाश्म जो कि 2 करोड़ वर्ष पुराना था। चित्रकूट जीवाश्म, करोड़ वर्ष। तो अब सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा हो जाएगा? धार का, ठीक है। सबसे पुराना जीवाश्म पूछे कौन सा हो जाएगा कोई आपसे, तो धार का जो है अब सबसे पुराना जीवाश्म होगा, ठीक है। फसाई की स्थापना कब हुई? 2018 में, ठीक है। जबलपुर रेलवे स्टेशन को 4-स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट जो है स्टेशन का अवार्ड मिल चुका है। तो भोपाल के स्टेशन को मिल चुका है, कमलापति रेलवे स्टेशन को मिल चुका है, और आपका भी तीसरा स्टेशन आप पढ़ रहे हैं जबलपुर, चौथा क्या पढ़ोगे? रीवा रेलवे स्टेशन को भी मिल चुका है, सिंगरौली रेलवे स्टेशन को ये अवार्ड मिल चुका है। 5 रेलवे स्टेशन को ईट राइट कैंपस का अवार्ड दे चुके हैं। रानी कमलापति को सबसे पहले दिया गया था, फिर भोपाल को, फिर ये बाकी लोगों को मिला है। बेटे ईट राइट कैंपस अच्छे से याद कर लेना, ये पटवारी की परीक्षा में जरूर एग्जाम में आपको गड़बड़ करेंगे, ठीक है। बेटे धार वाले का धार में मिला है, ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया उसे, धार जीवाश्म याद कर सकते हो, धार में सबसे पुराना जीवाश्म रिसेंटली दिया गया है। ग्वालियर जिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन से नंबर पर था? 2। पहला कौन था अपना? हरदा डिस्ट्रिक्ट था। पहले नंबर पर कौन था? हरदा डिस्ट्रिक्ट। ग्वालियर को नहीं मिलता बेटा, छोटे मोटे अवार्ड नहीं लेता ग्वालियर वाले, जब लेंगे तो बड़े अवार्ड लेते हैं, छोटे मोटे से काम नहीं चलता उन लोगों का, वो ज़्यादा की चाह रखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में केंद्र सरकार ने कौन से स्थान को शामिल किया है? मितावली टेम्पल मुरैना में है, बटेश्वर मंदिर, 22 मंदिरों का समूह है, पड़ावली की गढ़ी, ये सभी को जो है मध्य भारत सरकार ने स्वदर्शन योजना में शामिल किया है। ये कब शुरू हुई थी? 2014 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अब मध्य प्रदेश का पहला कैटरिंग टू लैंडिंग सिस्टम प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया राजा भोज एयरपोर्ट पर जो है इसे लगाया गया है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ है? इंदौर में। क्या विशेषता है इसकी? सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट। करोगे सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? ये राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट कहाँ है? ग्वालियर में। छत्रसाल एयरपोर्ट खजुराहो के छतरपुर में। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कहाँ है? जबलपुर। पुराना नाम क्या है? डुमना एयरपोर्ट। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो देवास में। कहाँ पे? देवास में। और एक दतिया में एयरपोर्ट बनाया जा रहा प्रस्तावित है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया? मां पीतांबरा एयरपोर्ट। 5 बन रहे थे, 2 नए बन रहे हैं, ठीक है, मां पीतांबरा एयरपोर्ट और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास में।
फिर आर्स ब्रिज मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाकाल लोक में इस ब्रिज को बनाएंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड कब कायम हुआ? तो ये 24 नवंबर को हुआ, जहाँ 3 लाख यूनिट बिजली हमने एक दिन के अंदर आपूर्ति की थी। तो ऐसा रिकॉर्ड जो है मध्य प्रदेश में 24 नवंबर को बनाता। हमारा मध्य प्रदेश जो है एक्स्ट्रा बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं, मतलब हमारा राज्य के साथ सरप्लस राज्य में काउंट होता। हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली जो है हम दूसरे को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में मोगली बाल उत्सव को मनाया गया? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2004 में हमने इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट कब संचालित हुआ? 1992 में। यहीं पे जो है मोगली लैंड है। द जंगल बुक का कार्य क्षेत्र तो यही रहा। द जंगल बुक किसकी पुस्तक थी? रुडियार्ड किपलिंग की पुस्तक। किसकी पुस्तक होगी? रुडियार्ड किपलिंग की पुस्तक थी द जंगल बुक। ये एमपी में सिवनी और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। पेंच को हम क्या बोलते हैं? प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या पढ़ोगे? प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। पारस डोहो बांध, पारस डोहो बांध इसी में है। साउंड प्रूफ नेशनल हाईवे इसी से गुजरेगा, जिसमें गाड़ियों की वो रास्ता बनाए हैं ऐसा झाला टाइप का कि उस साइड आपको आवाज ही नहीं जाएगी गाड़ियों के हॉर्न की। तो साउंड प्रूफ नेशनल हाईवे कहाँ बनाया गया है? तो ये पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत बनाया गया है। किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन में हाल ही में, ये बेटा 28 तारीख को प्रमाण पत्र मिला था, तो ये उज्जैन रेलवे स्टेशन। ठीक है, किसको रहोगे? उज्जैन रेलवे स्टेशन को मिल चुका है। रीवा को दिए हैं अपन, सिंगरौली को मिल चुका है, जबलपुर को मिल चुका है, ठीक है, कमलापति को दे चुके हैं अपन, और भोपाल स्टेशन को दे चुके हैं। किसको? भोपाल स्टेशन। 5 जगह सबको याद हो गई, तो ये बेटा आप जगह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 5 जगह। कब से प्रमाण पत्र दे रहे हैं अपन? 2018 से जो है प्रमाण पत्र देने की शुरुआत हुई थी। कब से? 2018 से ये जो है प्रमाण पत्र जो है दिया जाना शुरू किया गया है। ये कौन देता? प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना यानी फसाई की अपन स्थापना किए हैं। चलिए, तो बेटा अपन तैयार कर चुके हैं हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का। फिर सीहोर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? सीहोर गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 29 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? सीहोर गौरव दिवस जो है किस तारीख को मनाया पर? 29 नवंबर 2022 को। चलिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉन बीम पर आधारित कीटाणुनाशक उपकरण कहाँ बनाए? तो आरआर केट इंदौर में। फिश पार्लर कितने खोले जाएंगे? 52 जिलों में अपन फिश पार्लर खोलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना लागू की गई कब? 2022 नवंबर में। अब आ जाओ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में
बटरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो सतपुड़ा में। कोई पूछे बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो सतपुड़ा में अपन किए थे। पनार पानी में इसका आयोजन, इसके अलावा पनार पानी गार्डन पड़ता है पचमढ़ी में भी आयोजन हुआ। पहला तितली पार्क रायसेन में, दूसरा इंदौर में। एडवांस तितली पार्क कहाँ बनेगा? खंडवा में। जमुना देवी तितली पार्क कहाँ बनाएंगे? धार में। तांबिया तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? छिंदवाड़ा में। इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क में भी तितली पार्क की स्थापना की गई। फिर आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ग्वालियर में भी तितली पार्क बनाएंगे, ठीक है? ग्वालियर में तितली पार्क भी बनाया जा रहा है, ठीक है? एडवांस हो गया। चलिए तो बेटे, एग्जाम ओरिएंटेड जो है ना, आपको जो ज्यादा पूछेगा वो एक ये वाला पूछेगा, ठीक है? और एक ये वाला, फिर ये जमुना देवी वाला याद रखना, ये लास्ट साल चर्चा में काफी था, ठीक है? फेस्टिवल तो आपको याद ही रहेगा। IIM इंदौर जो है किस जिले को एक मॉडल जिला बना रहा है? तो ये अभी अपन ने पढ़ा था, हरदा में। IIM की स्थापना कब किए थे? 1996 में। इसके निदेशक कौन है? हिमांशु राय। कौन रखोगे? हिमांशु राय जो है इसके निदेशक है। डायरेक्टर कौन है? हिमांशु राय। मध्य प्रदेश के किस शहर में? अरे कर देंगे आप, PDF मत बोला करो यार, PDF से फिर जो अपनापन नहीं आता तुम लोगों के बीच में है। आप सभी को दे देंगे यार PDF फाइल, तुमसे बढ़कर थोड़ी है। क्लास के बाद हाल क्या ले तू? बस तू एक ही प्रॉमिस कर सर, आज मैं बहुत पढ़ूंगा, इस PDF को जो मैं 2-3 बार अच्छे से खा जाऊंगा जो है, ठीक है? मतलब कहीं से भी आया इसको मैं छोड़ूंगा नहीं आज इसको, ठीक है? आपको PDF मिल जाएगी। ऐसे ही बेटा हमारी क्लास में एक बालक है विकास, कल कहाँ, परसों की बात है, कल तो नहीं परसों की, 9 तारीख की, वो रात भर चिल्ला रहा सर जो है फिजिक्स के MCQs दे दो सर, फिजिक्स के MCQs दे दो। तो मैंने कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मैंने उसको इतने MCQs दिए, इतने MCQs की PDF मार दी कि कल से उसका रिप्लाई ही नहीं आया कि PDF अब चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तुझे भी देना पड़ेगा लगता है अब डोज जो है, सीधा PDF भी PDF दे देता हूँ तेरे को, 3-4 ले पढ़ ले जो है, फिर देखते कितनी याद करेगा तू अच्छे से जो है। हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल ही गया, मेरा जो पटवारी वाला आप सभी के लिए लर्नर ग्रुप पे बैच है उसमें बेटा मैंने सारे MCQs आप पढ़ सकते हो उस बैच में, ठीक है? वो सभी MCQs आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए, और मैं कल या परसों तक जो है आपको केमिस्ट्री के MCQs भी देना शुरू कर दूंगा, ठीक है? मतलब मंगल से मान लीजिए, तो आप केमिस्ट्री जैसे आप फिजिक्स सब तक निपटा दो, 2-3 2 दिन तो है ही आपका, क्योंकि लगभग आपके पास 900 MCQs दिए हैं, ठीक है? तो आप फिजिक्स को लगा डालो जब तक बैठ के, फिर बाकी टॉपिक भी मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, ठीक है? फिजिक्स कंप्लीट कर लिए हो? फिजिक्स के कर आज कर लो बेटा जो समय बचे, आज तो क्लास आपकी करंट अफेयर की है, उसके बाद तो आप लोग फ्री हो, ठीक है? चलिए, किस पर्यटन स्थल में 5G की शुरुआत की? रिलायंस ने महाकाल लोक उज्जैन में इसकी शुरुआत की गई है। अब आ जाओ, मध्य प्रदेश में कृषि मेला कहाँ लगेगा? तो कृषि मेला का आयोजन मुरैना में किया जाएगा। यहीं पे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मुरैना बनेगा। सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड मिला, किसे दिया गया अवार्ड? तो ये भोपाल को दिया गया। किसे दिया अपन? भोपाल को। सबसे बड़ी रिंग रोड कहाँ है?
जबलपुर में। सबसे बड़ी रिंग रोड कहाँ है? जबलपुर में। एशिया की सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो ये पीतमपुर में बनाया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया है? तो बसंत कुर्रे को इसके लिए बनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964। हेडक्वार्टर कहाँ है? 94 में बनाया गया था अपन ने, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। पहली लोकायुक्त कौन थे निर्वाचन आयुक्त? NB लोहानी, जबकि वर्तमान में BP सिंह यानी बसंत प्रताप सिंह हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर कहाँ इनका? न्यू दिल्ली में है। चलिए, किस सार्वजनिक परिवहन के लिए गठित BCLL को कोची में अर्बन मोबिलिटी अवार्ड दिया जाएगा? तो ये भोपाल को। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजन होना है? ग्वालियर में। कब से? 18 से 23 तारीख को आयोजन किया जाएगा। अब आ जाओ, किस जिले को एक्सपोर्ट हब बनाएंगे? ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा? तो इसके लिए 3 जिले, देवास, सीहोर और ग्वालियर को एक्सपोर्ट हब में शामिल किए। कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 3। साथ ही मध्य प्रदेश व्यापार नीति कितने साल की लागू की गई है? 5 साल, 2022 से लेकर 27 तक जो है इस नीति को अपन लागू करेंगे। कौन सा ग्रुप जो है टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश कर रहा है? तो ये सागर ग्रुप जो है विकास करेगा। कहाँ लगाएंगे? तमोट ग्राम में, ठीक है, रायसेन के तमोट ग्राम में सागर मैन्युफैक्चर जो प्राइवेट लिमिटेड की इकाई स्थापित की जाएगी और ये 5वीं इकाई होगी। कौन सी नंबर की होगी? 5th नंबर की। चलिए, पुष्मित्र भार्गव कहाँ के मेयर हैं? ये इंदौर के हैं। मिस्र के सम अल शेख में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में वर्चुअली रूप से शामिल, कहाँ के हैं? ये इंदौर में। ये सम्मेलन कब से शुरू हुआ था? 1972 से। स्टॉकहोम सम्मेलन भी इसे बोलते हैं। इसी सम्मेलन के तहत जो है जलवायु परिवर्तन का पहला सम्मेलन इसे अपन मानते हैं। यूनेप की स्थापना इसके लिए अपन ने 1972 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेरूवी में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1995 में को पहला कोप सम्मेलन आयोजित किए थे अपने से। हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्कूल खुलेगा? तो भोपाल में। वन प्रादेशिक स्कूल कहाँ है? ये शिवपुरी। संगीत स्कूल ग्वालियर। ड्रोन स्कूल ग्वालियर। किसान स्कूल जबलपुर। सैनिक स्कूल दूसरा गोहद के भिंड में है। क्या रहा होगी? गोहद के भिंड में हमने एक सैनिक स्कूल की स्थापना की है। कहां पर? गोहद के भिंड में जो है ये एक और नया स्कूल अपन बनाएंगे। तो संगीत स्कूल कहाँ है? ग्वालियर में। वन स्कूल कहाँ है? शिवपुरी में। ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। किसान स्कूल कहाँ पर है? जबलपुर में। सैनिक स्कूल रीवा और दूसरा कहाँ पर है? गोहद में है। वर्ल्ड क्लास स्कूल कहाँ खोलेंगे अपन? भोपाल में खोला जाएगा।
करोगे। वर्ल्ड क्लास स्कूल कहाँ खोलेंगे? भोपाल में। अब ऐसे आ जाता है, वन कॉलेज कहाँ है? 1979 बालाघाट। उद्यान किए कॉलेज कहाँ है? पहले है, ठीक है, ये पहला वन स्कूल, पहला उद्यान की कॉलेज, ये मंदसौर में है। पहला उद्यान की कॉलेज कहाँ है? मंदसौर में। वन कॉलेज कहाँ है? बालाघाट में। पहला संगीत कॉलेज ग्वालियर में। माधव राव संगीत कॉलेज करोगे? माधव राव संगीत कॉलेज कहाँ है? ये ग्वालियर में। कब बनाए थे? 1918 में से बनाया गया था। ठीक है बेटा, बस बंद कर रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर बंद कर रहा हूँ, बस 2-3 पॉइंट और रह गए इसके अंदर, मैं बंद कर रहा हूँ। संगीत हो गया, माधव राव हो गया, उद्यान की हो गया, वन हो गया, फिर है इंदौर में रह गए अपने। पहला नर्सिंग कॉलेज ये इंदौर में, पहला दंत कॉलेज ये इंदौर में, पहला दंत कॉलेज कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंदौर में। पहला यूनानी कॉलेज कहाँ है बेटा? 2:15 से पहला यूनानी कॉलेज कहाँ है? मैं 1 मिनट देख के बता देता हूँ कहाँ, कब है क्लास। वो कब है? 2:15 पे है, ठीक है। पहला यूनानी कॉलेज बुरहानपुर में है, ठीक है। वन प्रबंधन संस्थान, हाँ 2:30 बजे तक आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही 10-5 मिनट तो लेट हो ही जाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ओके। रीजनिंग क्लास 4 बजे है, शाम को रहेगी रीजनिंग क्लास, ठीक है प्रियंका, ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा आप लोगों पे, इसलिए रीजनिंग क्लास मैंने शाम को रख दी थी। मेरी क्लास के बाद तुम लोगों में इतना स्टेमिना नहीं बचेगा कि तुम लोग कर पाओ। चलें, चलिए। तो बेटे कोई डाउट्स हैं आप सभी को? आप में से जो विद्यार्थी मेरे साथ मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा रेफरल कोड रूप से डाल के ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे बेटे इसी से सर्च करो रूपसर, उसी पे आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध रहेगी।